हाय गाइस, वेलकम बैक हेल्थ मेडिसिन यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज बात करेंगे मिसमी टेबलेट के बारे में, इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट और लास्ट में बात करेंगे इसकी डोज की। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मिसमी टेबलेट की मैनुफैक्चरिंग करती है जी लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल कंपनी। 60 रुपये की इसकी एक टेबलेट आती है। इसके एक स्ट्रिप में एक टेबलेट होती है। बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। इसके अंदर होता है टडालाफिल 10 mg। बात करते हैं इसके यूज़ की। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में और महिलाओं में उत्तेजना बढ़ाने में, जिन महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स काम नहीं करते हैं और सेक्स में रुचि नहीं होती है, तब इस टेबलेट को दिया जाता है। और गाइस, मिसमी टेबलेट को खाने से सेक्स हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। और गाइस, मिसमी टेबलेट को महिलाओं में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे हाइपरप्लोसिस प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। पोलोमोनरी आर्टिटिलियल हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ होता है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। चेहरा, कान, नाक गरम हो सकते हैं, धुंधला दिखेगा, सिर में दर्द होगा। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। गाइस, ये फास्फोडाइस्टेस इनहिबिटर कैटेगरी की एक्शन होती है। ये टेबलेट ब्लड फ्लू को बढ़ा देती है जेनेटिक एरिया में, सो में ब्लड फ्लू बढ़ जाता है। बात करते हैं इसकी डोज की। अपने पार्टनर के पास जाने से 1 से आधा घंटा पहले एक टेबलेट दूध के साथ लेते हैं। गाइस, कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर कर लें। मिसमी टेबलेट को कब ना दें? अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या लीवर किडनी की कोई डिजीज है या किसी को एलर्जी है या कोई शराब पीता है तो वह मिसमी टेबलेट का यूज़ ना करें। कोर्स गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।